गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। गोरखपुर न्यूज परिवार की तरफ से आपको रामनवमी की ढेरों सारी बधाइयां। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन विस्तार में जाने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। रामनवमी के अवसर पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन। योगी ने 151 कन्याओं को कराया भोज। गोरखपुर एयरपोर्ट में स्पाइस जेट के बोइंग विमान को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रामनवमी पर्व पर राप्ती कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने किया विशाल भंडारे का आयोजन। सिंगापुर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष ने फीता काट कर किया शुभारंभ। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग द्वारा एडवांस इन हेल्थ एंड वेब बिल्डिंग रिसर्च विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। आतंकी फंडिंग में एटीएस ने सील किया नई मेंशंस इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड की दुकान। दुकानदार भी गिरफ्त में। गोरखपुर विश्वविद्यालय में वाणिज्य संकाय द्वारा 26 मार्च से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में लगभग 65% हुआ पूरा। 2 दिवसीय निरायुद्ध मार्शल आर्ट जिला स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। राज्य आमंत्रण महिला हॉकी प्रतियोगिता के लीग मैच में स्पोर्ट्स कॉलेज ने बनारस को 7-0 से रौंदा। और आतिफ कप वेटरन T20 टूर्नामेंट में होप क्रिकेट क्लब ने सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज को 4 विकेटों से हराया। अब खबरें विस्तार से। रविवार को रामनवमी पूरे देश भर में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के दिन गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर कन्या पूजन किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी पहली बार चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन करने के लिए गोरखपुर पहुंचे थे। योगी ने हवन पूजन के बाद कन्या पूजा की और कन्याओं को भोजन कराया। उनके साथ उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी पर 151 कन्याओं को भोज कराया। इस अवसर पर उन्होंने कन्याओं का पैर पात्र में धुला और उसके बाद उन्हें चुनरी पहनाकर उन्हें नमन किया। उसके बाद उन्होंने कन्याओं का भोजन कराया। पिछले साल चैत्र नवरात्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी में मंदिर के मुख्य पुजारी बाबा कमलनाथ ने कन्या पूजन की रस्म को पूरा किया था। माना जाता है कि इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम को विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है। माना जाता है कि रामनवमी के दिन अयोध्या में राम का जन्म महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के घर में हुआ था। इसी वजह से बहुत से लोग राम जन्मभूमि अयोध्या भी जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी में स्नान करने के बाद भगवान राम के मंदिर जाकर भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं। इस दिन जगह जगह पर रामायण का पाठ भी करवाया जाता है। बोले तो बच्चों को साइड कर दीजिए, साइड कर दीजिए। हम जानते हैं।
रामनवमी के अवसर पर गोरखपुर वासियों को स्पाइस जेट के विमान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर एक नई उड़ान की सुविधा का तोहफा दिया है। गोरखपुर एयरपोर्ट पर योगी ने उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रदेश के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन विभाग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी भी मौजूद रहे। गोरखपुर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवागमन की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्पाइस जेट ने 72 सीटिंग कैपेसिटी ATR की जगह अब स्पाइस जेट बोइंग 186 यात्रियों की क्षमता वाला गोरखपुर से दिल्ली तक उड़ान भरेगा। ये विमान गोरखपुर से दिल्ली की दूरी 80 मिनटों में तय कर लेगा और इसका कुल किराया 2,999 रुपये होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की पूर्व घोषणा के अनुसार अब हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा कर सकेंगे। स्पाइस जेट बोइंग का किराया कम होने के कारण लोगों का सपना साकार हो रहा है। यही कारण है कि रविवार को इसकी पहली उड़ान यात्रियों से भरी रही। रविवार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चैत्र रामनवमी के दिन राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति असुरन के तत्वाधान में राप्ती कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सिंगापुर के अध्यक्ष जयशंकर उपाध्याय ने फीता काटकर किया। भंडारे में प्रसाद के रूप में भोज को आसपास के लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ ग्रहण किया। मुख्य अतिथि के स्वागत में राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के अध्यक्ष हनुमान सिंह बघेल, संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव, कोषाध्यक्ष सूरज नाथ गुप्ता, आनंद त्रिपाठी, दयाशंकर, कुंदन मणिनाथ सहित गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि ने बताया, यंत्र क्या दोनों अतिथि
श्री जयशंकर उपाध्याय, अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल सिंगापुर से है, इनका तालियों के साथ स्वागत किया जाए जो है। मुख्य अतिथि के साथ हमारे समिति के संयोजक श्री गोविंद प्रताप राव, अध्यक्ष श्री हनुमान सिंह बघेल जी, भंडारे का विशाल आयोजन किया जाता है। हमारे बीच मुख्य अतिथि सीता काट के आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बोलिए जय माता की, बोलिए दुर्गा माता की, बोलिए भगवान श्री राम चंद्र की, बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की। भक्तों से अनुरोध है, कृपया पंडाल स्थल पे आके कृपया आप लोग अपने प्लेट को जो है जूठन प्लेट को डस्टबिन में ही डालेंगे, जिससे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। भंडारे में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विगत कई वर्षों के बाद इस वर्ष भी जो है रामनवमी के पावन पर्व पे भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राप्ती कांग्रेस व्यापार समिति, राप्ती कांग्रेस के व्यापारी करते हैं व्यापारियों के द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी लोग माइक लगा करके हमें माँ का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। जय रामनवमी का आयोजन किया गया है। मेरा तो बहुत सौभाग्य है कि सात समुद्र पार सिंगापुर से आज आ गए हैं, आप लोगों में जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी हम लोगों का आज बहुत बड़े रूप में विजय दशमी और मनाया जाए जा रहा होगा मंदिर में। ये बहुत खुशी की बात है और यह देखकर जो यहाँ पर एकता और भाव एक दूसरों में मैंने देखा है, हमको बहुत खुशी हो रही है। और मेरा यही प्रार्थना है भगवान से कि सबके अंदर एक सेंस ऑफ यूनिटी रखे और ये लोग एक लक्ष्य कर चलें कि भाई सबका जीत, जो मैनेजमेंट में कहते हैं विनर्स क्वालिटी, सबके पास हो विनर्स क्वालिटी हो और सब लोग इसमें अपना तरक्की करें और आगे बढ़ें। हम यही बात कर रहे थे इसके पहले प्रेसिडेंट जी से कि जो सच्चाई है चेंज, और अगर समय के अनुसार हम चेंज नहीं करेंगे तो समय हमारे लिए इंतज़ार नहीं करेगा और वो आगे बढ़ जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समय को देखते हुए हम अपने आप को एडजस्ट करें और आगे बढ़ें। मैं तो यही मेरा प्रार्थना है और यही लोगों से हमारा निवेदन है और इस कॉम्प्लेक्स को और आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। जय माता दी। दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग द्वारा एडवांस इन हेल्थ एंड वेल बीइंग रिसर्च विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन रविवार को कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर गिरजेश कुमार मिश्र, प्रोफेसर प्रेम सागर नाथ तिवारी, प्रोफेसर विवेक कुमार, डॉक्टर वीपी सिंह, डॉक्टर एसबी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह सहित कई शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने एडवांस इन हेल्थ एंड वेल बीइंग रिसर्च विषय पर अपने अपने विचार रखे। जीवन में सब चकाचक नकारात्मक भावनाएं इतनी हैं, अगर सकारात्मक अधिक है नकारात्मक कम है और जीवन की संतुष्ट जजमेंट देन आई एम हैप्पी, अगर यह है तो आपने हैप्पीनेस वेल बीइंग के तत्व जो है वो अधिक है। ये सब मापन किया जाता है, बिना गोठा जाता है और उसका विवरण दिया जाता है। एक मजेदार बात इन सारे अध्ययनों में जो पाई गई है वो ये है, और लगभग 100 वर्ष का डेटा है जिसके आधार पर बाद में दुकान रहा हूँ, वो ये है कि आर्थिक प्रगति तो ऐसी होती चली गई लेकिन जीवन में संतुष्टि अभी नीचे ही बनी हुई, इसमें कोई उतनी वृद्धि नहीं, दोनों में गैप बढ़ता चला जा रहा है। इसका अर्थ मैं यह लगाता हूँ कि अब जो है हैप्पीनेस खरीदने के लिए आपको ज़्यादा रुपया खर्चा करना पड़ता है, महंगी हो गई। हैप्पीनेस या वेल बीइंग अगर इसको समानार्थी लीजिए, सर ने एक शब्द लिया था सब्जेक्टिव वेल बीइंग, तो ये सब्जेक्टिव पार्ट है जो आपका अपना अनुभव है
जीवन के बारे में, जीवन की परिस्थितियों का जो आप मूल्यांकन करते हैं और जिस तरह की भावना का अनुभव करते हैं, वस्तुतः वेलबींग के या हैप्पीनेस के दो पक्ष हैं। एक तो है एक क्षणिक आह्लाद का, उल्लास का अनुभव, बड़ा मजा आया एक क्षण का, और दूसरा है जो विस्तृत क्षेत्र में आपका अपना मूल्यांकन है, वो जीवन के विभिन्न पक्षों में कहाँ पर आप ठहरे हुए हैं। एक लॉन्ग टर्म है और एक जो है बिल्कुल इमीडिएट मोमेंट्री है, क्षणिक है। दोनों तरह के पक्ष हैं हैप्पीनेस के, अनुभव के, और इन दोनों का पारस्परिक संबंध भी है। प्रश्न यह उठता है कि यदि आर्थिक प्रगति पर्याप्त नहीं है इसकी अनुभूति के लिए, हैप्पीनेस के अनुभूति के लिए, कुछ और चीज़ें हैं जो इसके बीच में आ जाती हैं। रुपया रहने के बाद, बहुत ज़्यादा रुपया हो तो नीरव मोदी को देखिए भागे फिर रहे हैं, अब उनकी उनकी हैप्पीनेस ज़्यादा है कि हम आपका मूल्यांकन कर लेते ऐसी स्थिति, तो आर्थिक उन्नति और यह जो एक प्रकार की जीवन में संतुष्टि की या प्रसन्नता की जो भावना है, ये दोनों के वन टू वन कॉरिलेशन तो नहीं है। गीता में कहा गया स्थित प्रज्ञ हो जाओ, निराशी प्रेमो भूतवा युद्धत्व युद्ध, तुम किसी से आशा करो, अपने आप में संतुष्ट रहो। और जो सबसे बड़ी बात कहेंगे, जिसका पालन करना बड़ा मुश्किल है, ये तो दिल तो मानता है नहीं कि मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, सुख हो तो भी ठीक, दुख हो तो भी ठीक। आप अपने को इस तरह से संतुलित रखिए, सुख भी एक सूचना है, दुख भी एक सूचना है, दोनों इंफॉर्मेशन ही है। आप अपने को उनसे अप्रभावित कैसे रह सकते। टेरर फंडिंग के बड़े गिरोह का उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने खुलासा किया है। इस नेटवर्क से जुड़े गोरखपुर समेत कई अन्य जिलों से 10 व्यक्ति को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 गोरखपुर के निवासी हैं। एटीएस के मुताबिक गोरखपुर में एक फर्म के मालिक नईम अहमद के 2 पुत्रों अरशद नईम और नसीम अहमद को गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पर एटीएस ने खोराबार और शाहपुर इलाके से भी 3 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा खोराबार निवासी दयानंद यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार अरशद और नसीम से 48 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। इसके अलावा एटीएस ने छापेमारी में लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, 6 स्वाइप मशीन, मैग्नेटिक कार्ड रीडर, देसी पिस्टल और 10 कारतूस भी बरामद किया है। गोलघर स्थित बलदेव प्लाजा में नई मैंसन्स इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्रतिष्ठान जो कि था, उसको सील कर दिया गया है। जाने से पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। रामनवमी के अवसर पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन। योगी ने 151 कन्याओं को कराया भोज।
गोरखपुर एयरपोर्ट में स्पाइस जेट के बोइंग विमान को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रामनवमी पर्व पर राप्ती कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने किया विशाल भंडारे का आयोजन। सिंगापुर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष ने फीता काट कर किया शुभारंभ। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग द्वारा एडवांस इन हेल्थ एंड वेब बिल्डिंग रिसर्च विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। आतंकी फंडिंग में एटीएस ने सील किया नई मेंशंस इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड की दुकान। दुकानदार भी गिरफ्त में। गोरखपुर विश्वविद्यालय में वाणिज्य संकाय द्वारा 26 मार्च से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में लगभग 65% हुआ पूरा। 2 दिवसीय निरायुद्ध मार्शल आर्ट जिला स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। राज्य आमंत्रण महिला हॉकी प्रतियोगिता के लीग मैच में स्पोर्ट्स कॉलेज ने बनारस को 7-0 से रौंदा। और आतिफ कप वेटरन टी20 टूर्नामेंट में होप क्रिकेट क्लब ने सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज को 4 विकेटों से हराया। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज के तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशपुरा के शोरूम जाइए और जितने भार का सोना आप खरीदेंगे उतना ही चांदी मुफ्त पाइए। अपने आप को गोरखपुर न्यूज का दर्शक बताइए और इस विशेष ऑफर का लाभ उठाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय द्वारा 26 और 27 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसकी विस्तृत जानकारी देते हुए विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अवधेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में वक्ता फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्लोबल कंटेस्ट इशू एंड चैलेंजेस विषय पर अपने अपने विचार रखेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उद्यमिता और उद्यमिता विकास ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी, लोगों को, सभी तरह के लोगों, यानी जो समावेशी विकास की बात है, ये पूरा किया जा सकता है। वर्तमान संदर्भ में उद्यमिता विकास, उद्यमिता के महत्व को समझते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के वाणिज्य विभाग ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की है। ये राष्ट्रीय संगोष्ठी 2 दिनों में 26 एवं 27 मार्च 2018 को होने जा रही है। ये संगोष्ठी 5 सत्रों में विभाजित है। पहला सत्र 26 तारीख को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा। इस सत्र में ये उद्घाटन सत्र होगा। इस सत्र में के मुख्य अतिथि इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर सुनील कुमार शुक्ला जी हैं। आपको जान करके ये हर्ष होगा
कि यह सेमिनार राष्ट्रीय स्तर का एक जो उद्यमिता विकास और उद्यमिता से विभिन्न जो जुड़े हुए मुद्दों हैं उन पर काम कर रहा है एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद, उसके कोलाबोरेशन में चल रहा है ये संगोष्ठी, उनके द्वारा भी कोलाबोरेटेड है। इसके डायरेक्टर इसके मुख्य अतिथि होंगे। दूसरे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, वो आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर के भूतपूर्व वाइस चांसलर और वर्तमान समय में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के में आचार्य पद पर कार्यरत हैं, वो होंगे। दूसरे विशिष्ट अतिथि हमारे अपने डिसिप्लिन के कॉमर्स जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले प्रोफेसर बीपी सिंह जी होंगे, जो इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन के डीम्ड प्रेसिडेंट रहे हैं। दिल्ली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डीन और हेड का भी काम कार्यभार देखे हैं। बड़े ही विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े ही बुजुर्ग हैं, वो भी रहेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। हमने और भी प्लान किया था मंच को सुदृढ़ करने के लिए, जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर एसपी सिंह साहब भी आने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा सत्र हमारा टेक्निकल सत्र शुरू होगा उसी दिन 3 बजे से, बल्कि 2 सत्र होंगे, तीनों साइमल्टेनियसली एक साथ ही 2 सत्र होंगे। टेक्निकल फर्स्ट होगा जो फॉस्टरिंग एंड क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरशिप पर केंद्रित होगा, जिसके कीनोट स्पीकर फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाराणसी हिंदी यूनिवर्सिटी वाराणसी के प्रोफेसर आर के सिंह साहब होंगे। आर के सिंह एफएमएस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के होंगे। फिर कीनोट स्पीकर प्रोफेसर राजकुमार, डायरेक्टर एंड डीन आईएमएस एन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज बीएचयू वाराणसी होंगे। रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रोफेसर ए के श्रीवास्तव होंगे, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर। दूसरे हमारे रिसोर्स पर्सन होंगे प्रोफेसर बीपी सिंह, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसी वाणिज्य भवन में आयोजित है, जिसके चीफ गेस्ट जीएस सून, डायरेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड रीजनल सेंटर्स आईसीएसएसआर न्यू दिल्ली होंगे। चेयरपर्सन के रूप में हमारे वर्तमान कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह जी होंगे। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमने, चूंकि उद्यमिता एक ऐसा विषय है जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, हर डिसिप्लिन के आदमी, हर जगह इनोवेशन का काम होता है, हर जगह उद्यमिता की बात कही जाती है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको जो है इंटर डिसिप्लिनरी भी बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए हमने अपने पूर्व कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार जी को बुलाया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक्स प्रो वाइस चांसलर, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कॉमर्स फैकल्टी के डीन, अप्लाइड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर आर एस यादव को भी हमने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया है। इस सत्र में हमारे विश्वविद्यालय के और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह साहब भी उपस्थित होंगे। रविवार को गोरखपुर के 6 विद्यालयों में से एक सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य 9वें दिन लगभग 65% पूरा हो चुका है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य 17 मार्च से शुरू हुआ था, जिसे 1 अप्रैल तक पूरा करना है। हालांकि नहीं
गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रधानाचार्य आरबी सिंह ने कहा, मूल्यांकन का कार्य 17 तारीख से प्रारंभ हुआ है, तब से लेकर के आज तक लगभग हमारे पास 65-70% तक की कापी जो है जांची जा चुकी है, और शासन के द्वारा 15 दिन का हमें समय मिला हुआ है, और 15 दिन के अंदर समय सीमा के अंतर्गत मूल्यांकन कार्य हमारे केंद्र पर समाप्त हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई सर असुविधा या कुछ नहीं, बीच में का दिन जो है जिसमें मूल्यांकन कार्य बहिष्कार भी लोगों ने किया है, और वित्त विहीन के अध्यापक अभी भी मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन उनके स्थान पर प्रपत्र 9 KMO 9 जिसको हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत तमाम अध्यापकों की नियुक्ति की गई है, इसलिए मूल्यांकन कार्य में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न या बाधा उत्पन्न नहीं हो रहा, समय सीमा के अंतर्गत मूल्यांकन कार्य समाप्त हो जाएगा। दो दिवसीय निरायुद्ध मार्शल आर्ट जिला स्तरीय प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन विभिन्न भार, उम्र और बेल्ट वर्ग के खिलाड़ियों में 24 स्वर्ण, 24 रजत और 24 कांस्य पदक जीते। समारोह को मुख्य अतिथि किरण राज सिंह ने बेस्ट फाइटरों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। जिन लोगों ने भी फाइट करके आपके सामने है, जिसमें गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए किरण राज सिंह ने बताया कि आत्मरक्षा की प्राचीन भारतीय शैली निरायुद्ध शौर्य कला के विकास और प्रसार के लिए पूर्वांचल निरायुद्ध अकादमी निरंतर प्रयासरत है। इस बारे में उन्होंने आगे बताया, बहुत ही अच्छा सफलता के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा चलाया गया है, और इसके द्वारा बच्चों में आत्मविश्वास आत्मरक्षा के लिए सिखाया जाती है, आत्मविश्वास। रविवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान पर क्षेत्रीय खेल कार्यालय गोरखपुर द्वारा आयोजित राज्य आमंत्रण महिला हॉकी प्रतियोगिता के प्रथम चरण में स्पोर्ट्स कॉलेज ने बनारस को 7-0 के अंतर से हरा दिया। इस प्रतियोगिता के 3 अन्य मैचों में SSP ने मेरठ को 1-0 के अंतर से हराया, वहीं यूको बैंक सहारनपुर ने इलाहाबाद को 7-0 के अंतर से और लखनऊ हॉस्टल ने बरेली को 10-0 के अंतर से रौंद दिया। स्पोर्ट्स कॉलेज और बनारस के बीच चल रहे मैच के दौरान स्पोर्ट्स कॉलेज की प्रशिक्षिका हॉकी शशि नवैत अपने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए नजर आई। इस मौके पर प्रतियोगिता के निर्णायक NP गौड़, निर्णायक लखनऊ ऋषि कुमार, खुर्शीद अहमद, प्रशिक्षिका हॉकी रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम की शालिनी विश्वकर्मा सहित अन्य खिलाड़ी व हॉकी प्रशिक्षक मौजूद रहे। Come on, 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 come on
रविवार को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर आतिफ वेटरन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का एक मैच सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज और होप क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज की पूरी टीम 20 ओवरों में 98 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। होप क्रिकेट क्लब की तरफ से सुमित सिंह को सर्वाधिक 3 विकेट मिले। 99 रनों का पीछा करने उतरी होप क्रिकेट क्लब की टीम ने 17वें ओवर में ही यह लक्ष्य हासिल करके 4 विकेटों के ही नुकसान पर यह मैच जीत लिया। होप क्रिकेट क्लब की तरफ से विष्णु दत्त ने सर्वाधिक 36 रनों की पारी खेली। चलने के पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। रामनवमी के अवसर पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन। योगी ने 151 कन्याओं को कराया भोज। गोरखपुर एयरपोर्ट में स्पाइस जेट के बोइंग विमान को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रामनवमी पर्व पर राप्ती कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने किया विशाल भंडारे का आयोजन। सिंगापुर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष ने फीता काट कर किया शुभारंभ। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग द्वारा एडवांस इन हेल्थ एंड वेब बिल्डिंग रिसर्च विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। आतंकी फंडिंग में एटीएस ने सील किया नई मेंशंस इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड की दुकान। दुकानदार भी गिरफ्त में। गोरखपुर विश्वविद्यालय में वाणिज्य संकाय द्वारा 26 मार्च से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में लगभग 65% हुआ पूरा। 2 दिवसीय निरायुद्ध मार्शल आर्ट जिला स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। राज्य आमंत्रण महिला हॉकी प्रतियोगिता के लीग मैच में स्पोर्ट्स कॉलेज ने बनारस को 7-0 से रौंदा। और आतिफ कप वेटरन T20 टूर्नामेंट में होप क्रिकेट क्लब ने सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज को 4 विकेटों से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तो अगले बुलेटिन के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।